जूं ही शैतान हमारे अकल के दरवाजे पर दस्तक दे तो फौरन हमने पांच काम करने हैं। उन पांच उमूर की जो बंदा आदत बना लेता है उसके ख्यालात पर शैतान को काबू हासिल नहीं होता, शैतान को तहक्कुम हासिल नहीं होता, शैतान इंसान के ख्यालात पर कंट्रोल नहीं कर पाता। यानी इन पांच किस्म के ख्यालात को अगर इब्तिदा से ही हम जड़ से निकाल फेंकें तो शैतान हमारे दिल के उन बंद दरवाजों को, गुनाहों के वो दरवाजे जो हम बंद कर चुके हैं, उनको एक मरतबा फिर ओपन करने में कामयाब नहीं हो सकता। और अगर हम तौबा कर रहे हैं और अगर इब्तदाई पहले दरवाजे पर भी मेहनत कर रहे हैं और उस दौरान भी अगर शैतान बार बार इस दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, बार बार हमें गुनाहों के इर्तिकाब की जानिब रागिब करने की कोशिश कर रहा है, तो इन पांच ख्यालात का याद रखना, इनको जहन नशीन कर लेना इंतहाई जरूरी है। और इसकी तरतीब क्या है नाज़रीन किराम, जो ही ये पहला ख्याल आए, जिस शख्स को हर वक्त अपनी सांस के जरिए अल्लाह अल्लाह की सदाएं बुलंद करने की आदत हो, इसे कहते हैं जिक्र पास अनफास। यानी जब इंसान सांस लेता है तो अपनी नाफ से अल्लाहु अल्लाहु का विर्द जारी रखे। मिसाल के तौर पर जब सांस लें, हर सांस के साथ जो शख्स अल्लाहु की आदत बना ले और कोशिश करे कि दिन का अक्सर वक्त जब भी सांस ले, जब भी इनहेल करे, जब सांस लेता है अल्लाह का नाम ले और बाहर निकाले तो हु की सदा बुलंद हो। जिस शख्स को इसकी आदत हो जाए उसके जहन पर शैतान कंट्रोल हासिल नहीं कर पाता। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो ही हाजिस की कैफियत पैदा हो, मिसाल के तौर पर जो ही ख्याल पैदा हो, पहला ख्याल आए कि गुनाह का इर्तिकाब कर, या फकत ख्याल आए कि गुनाह का मौका है तो गुनाह कर सकता है, तो उस ख्याल के आने पर फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले। अगरचे गुनाह का इर्तिकाब नहीं हुआ, जिस तरह मैंने इब्तिदा में बयान किया था कि अगर इंसान गुनाह करता नहीं है, बगैर गुनाह के तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर लेता है तो यह तकवा है, परहेजगारी है। जो ही वो ख्याल आया फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले। उसके बाद फौरन ये कहे या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक। मुस्नद इमाम अहमद की रिवायत है, रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की दुआ है। या मुकल्लिबल कुलूबी, ये लिख लीजिएगा, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, है दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम रख। इसका तकरार हो, इस विर्द को जारी किया जाए। यानी सबसे पहले ये आदत बना लें, जब भी सांस लें अल्लाहु अल्लाहु। और नाज़रीन इकराम, एक ऐसी प्यारी आदत है कि इंसान को जब ये आदत इंसान बना लेता है तो इंसान सो रहा होता है लेकिन उसकी सांस अल्लाहु अल्लाहु का विर्द कर रही होती है। इंसान को जब आदत बन जाती है, और हमारे यहाँ बरतानिया में बेशुमार ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस पर अमल किया, इसको प्रैक्टिकली अप्लाई किया, वो काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, दीन का काम कर रहे हैं, दुनिया का काम कर रहे हैं, लेकिन हर वक्त अल्लाहु अल्लाहु की सदाएं बुलंद हो रही हैं। ये आदत बना लें। दूसरा, जो ही हाजिस की कैफियत पैदा हो, जो ही शैतान इंसान के दिल पर, इंसान के दिमाग पर, इंसान की अकल पर ख्यालात पैदा करने की कोशिश करे, फौरन तौबा की चार शरायत के साथ तौबा कर ले, प्राण के साथ तौबा कर ले। पॉइंट नंबर थ्री, या मुकल्लिबल कुलूबी सब्बित कल्बी अला दीनिक, है दिलों के फेरने वाले मेरे दिल को अपने दीन पर कायम फरमा। नंबर तीन, नंबर चार, दुरूद शरीफ की कसरत शुरू हो जाए। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद व सलाम के फूल निशावर करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूल अल्लाह, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। बार बार दुरूद पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ें। यानी जो ही ख्याल आए तो दुरूद शरीफ की भी कसरत हो। पॉइंट नंबर चार। पॉइंट नंबर फाइव, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम, इसकी कसरत कर दें। रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी और सही मुस्लिम की हदीस है, अन अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम قال له قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अबी मूसा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कि आप कहें, पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, क्योंकि ये जन्नत के खजानों में से एक खजाना है। नाज़रीन इकराम, जो शख्स हर वक्त हाजिस की अगर कैफियत पैदा होगी तो फौरन अपने नफ्स पर कंट्रोल करने के लिए इन पांच उमूर पर अमल कर ले।
پھر اگر شیطان کا حملہ مزید بڑھتا ہے تو حاجز سے خاطر پر چلا جاتا ہے, یعنی بار بار خیالات آنا شروع ہو جاتے ہیں, پھر فوراً ان پانچ امور پر عمل کرے, اور پھر اگر خاطر سے حدیث نفس تک چلا جاتا ہے پھر اس پر عمل کرے, حدیث نفس سے اگر ہم تک چلا جاتا ہے پھر ان پانچ پر عمل کرے, اور عادت بنا لے, ایسی عادت بن جائے ناظرین کرام کہ انسان یہ پختہ عہد کر لے کہ میں نے اگر دل کے دروازے بند بھی نہیں کیے, اگر توبہ کے مراحل ابتدا سے بھی شروع ہیں, اگر میں فقط آنکھ پر بھی عمل کر رہا ہوں تو ان پانچ چیزوں کو یاد رکھوں گا, حاجز, خاطر, حدیث نفس, ہم اور عزم, اور کبھی بھی شیطان کو عزم تک نہیں پہنچنے دوں گا. جب ہم یہ رکاوٹیں شیطان کی راہ میں کھڑی کر دیں گے, یہ ابسٹیکلز, یہ ہرڈلز کھڑی کر دیں گے.